फिर से मानसून का मजा ले सकते हैं मुमरावासी खूनी डैम पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। मानसून में सबसे फेमस जगह खूनी डैम, जहां अक्सर हर साल 5 से 6 जाने जाती थी और डूबने के कारण, वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरे डैम को बाउंड्री वॉल से ढक करके ऊपर तारे लगा दिए ताकि अंदर कोई ना जा पाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा प्रस्ताव किया है कि जो डैम के नीचे का हिस्सा है, जो कम पानी जहाँ जाता है, वहाँ पर वो मानसून का मज़ा ले सकते हैं और वहाँ पर नहा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर ली जाए, टीएमसी के धनंजय गोसावी और महेश आयर ने क्या कुछ पूरी जानकारी दी इस डैम को लेकर के। और हर साल जैसे कि हम खुद बताए थे अगले साल कि 2 लोग किस तरीके से डूब करके मरे थे इस डैम में, जान ना जाए इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना अहम कदम उठाया। और हर साल जैसे यहाँ पर जाने जाती थी, अगले साल इतनी जाने जा रही थी कि नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू भट्ट और राकापा अध्यक्ष शमीम खान दोनों के मार्गदर्शन से सेक्रेटरी गार्ड को तैनात किया, और तो भी लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे। नौजवान लोग स्विमिंग करने इस खड़ी मशीन के डैम पर आते थे और अपनी जान गंवा बैठते थे। तो देखते हैं क्या कुछ कहा है इन्होंने इस डैम को लेकर के और क्या पूरी जानकारी। ये डैम जो बांधा है, ये फॉरेस्ट की तरफ से बांधा गया था 2015-16 में जी। तो 15-16 में बांधने के बाद में वो पानी आगे परकुलेशन टैंक बांधा गया था कि पानी ज़मीन के अंदर मुड़े और अपने को मुमरा के लिए फ़ायदा हो जाएगा, बोरिंग बिरिंग के लिए पानी बढ़ेगा जी। मगर जब एक डैम भर गया, जो जैसा लोनावाला लोग घूमने के लिए जाते हैं, ऐसा ये पिकनिक स्पॉट बन गया। तो पानी में डूबने का काम लोग करते थे, पुलिस आती थी उनको भगा देती थी, पुलिस जाने के बाद में फिर आने का। तो 16, 17, 18, 19 तो 18 तक कम से कम हर साल में 4-5 बच्चों की जाने इधर जाती थी और फॉरेस्ट वाले को हम रिक्वेस्ट करके, भाई तुमने बांधा है, तुम्हारा फंग ये माच्छा है, मगर हमारे लोगों की जाने जा रही है। और ये बात मैं अपने मंत्री महोदय आवार साहब के कान में डाल दी। तो शानू भाई, आवार साहब और कई नगर सेवक मुमरा के फॉरेस्ट वाले के पास जाके बोले कि इसको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए पेरीफेरी जितना है, 350-350 मीटर की पेरीफेरी है इसकी। अच्छा, वो पूरा पेरीफेरी को अपन चेन लिंकिंग बारबेड वायर का कंपाउंड बना दिया है जी। अभी इसका जो वाटरफॉल आता है तो इधर भी बच्चे खेलेंगे तो ये भी अपन उसको फेंसिंग करके बंद कर दें। हम क्या बोले कि तुमने डैम बांधा है ना, उसका प्रिकॉशन लेना तुम्हारा काम है। अच्छा, तुम्हारे वजह से हमारे मुमरा की जान जा रही है। ये बात अपने अवर साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो साहब है रामपुरकर साहब, उनके ध्यान में ये डाल दी। तो उन्होंने आके देखा, सर्वे किया। अच्छा, तो उसी दिन एक मौत हो गई थी इधर। तो उनको उसका सीरियसनेस मालूम पड़ने के बाद में उन्होंने बात किया मंत्रालय में और बोले ये बहुत डेंजर स्पॉट हो गया है। तो फिर उन्होंने अपने को 59 लाख रुपए का बजट दे दिया। अच्छा, फिर अपन इस्टीमेट उसका इम्प्लीमेंटेशन टीएमसी करेंगे बोले। तो ये अपन इम्प्लीमेंटेशन इस्टीमेट बना के उनको दे दिया। अच्छा, उन्होंने टेंडर निकाला फॉरेस्ट वाले ने। फॉरेस्ट वाले ने टेंडर निकाला और बोले पैसा हम दे देंगे मगर काम तुम करने का। तो ये काम अभी 90% पूरा होगा, ये कल ये जाली भी अपनी लग जाएगी। अच्छा, ये लगने के बाद में और बच्चों को जो ये जो हार्ड रॉक है पूरा पोर्शन में, इधर पानी नहीं भरता है तो बैठने उठने के लिए समझो आएंगे तो भी इधर डूब नहीं जाएंगे, डूब नहीं जाएंगे। 2-1.5 फुट का पानी रहेगा। पानी के अंदर जो है हर साल बारिश का जो है मजा उनको मिलेगा, लेकिन वो पूरी सुरक्षा के साथ, इसी तरीके से। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।